स्मिताज किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक जबरदस्त पिज्जा रेसिपी, जो गेहूं के आटे से हमने पिज्जा बेस बनाया है। ना हमने इसके लिए यूज किया है ईस्ट और ना ही मैदा। तो चलिए बनाते हैं ये हेल्दी पिज्जा रेसिपी, पनीर टिक्का पिज्जा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब करें और बहुत सारी हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज देखें। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज्जा बेस की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 2 कप, जैसे 250 ग्राम लिया है हमने। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर, और इसके बाद हमने डाला है इसमें जो हम रोज खाते हैं वो वाला ऑयल। अब हम इसमें मिलाएंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। जैसे कि ये दोनों अलग अलग काम करती है। इसमें मैंने मिलाया है लेमन जूस, इसमें आप कर्ड भी मिला सकते हैं। 1 कप कर्ड हमें लेना है और इसको मिक्स करना है। अगर आप यहाँ पे लेमन जूस यूज कर रहे हैं तो हम पानी मिलाएंगे, और जब कर्ड यूज कर रहे हैं तो पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी, जैसे कि 1 टेबल स्पून जैसा पानी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लेमन जूस यूज़ किया है, तो इसके लिए हम 1/2 कप जैसा पानी मिलाएंगे। ये पानी हम धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये डो हमें 5 मिनट तक रखना है, ज़्यादा रखना नहीं है। ये जो पिज़्ज़ा डो हम बना रहे हैं तो वो सॉफ्ट रखना है, हम आटे से भी थोड़ा सा सॉफ्ट। और ध्यान रखना है कि पानी हमें धीरे धीरे ऐड करना है। एकदम से पानी आप ऐड करोगे तो थोड़ा सा ये पतला हो सकता है। तो ये हमारा डो हो गया तैयार। इसका हम एक गोला बना के रखेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे तेल, और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। आप चाहे इसे कवर कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। 2 चम्मच तेल हमने यहाँ पे इसे लगाया है, और इसके बाद हम तैयारी करेंगे पिज्ज़ा की। तो सबसे पहले हमने गैस पर एक पिज्ज़ा के लिए एल्यूमिनियम का बर्तन लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक हमने डाला है, तो ये हमने रखा है प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। नमक का जो लेयर है हमने 1 सेंटीमीटर जैसा रखा है, और इसके अंदर हमने एक छोटा सा प्लेट रखा है। मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैंने ये प्लेट यूज़ किया है। आपके पास स्टैंड होगा तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो पनीर के लिए हमने यहाँ पे थोड़े मसाले लिए हैं, जैसे नमक, तीखा पाउडर, थोड़ा सा ऑयल, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला, हल्दी पाउडर। ये सब हमने इसमें मिक्स किया, और फिर बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, और ये सब हम मिक्स करेंगे और इसे भी हम रखेंगे 5 से 10 मिनट तक। पनीर को इस मसाले से हम कोट करेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे पिज्ज़ा डो हमारा कैसा बना है। ये थोड़ा सा फूला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम फिर से एक बार अच्छे से मस लेंगे। यहाँ पे हमने 250 ग्राम व्हीट फ्लोर लिया था, तो इसके 2 मीडियम साइज के पिज्ज़ा बन सकते हैं या फिर 3 स्मॉल साइज के पिज्ज़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 सेम साइज के गोले बनाए हैं। हम यहाँ पे जो पिज्ज़ा बनाने वाले हैं बहुत ही आसान है। इसके लिए आपके पास ओवन या फिर पिज्ज़ा का टीन वगैरह ऐसे कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी एल्यूमिनियम की जो डिश है हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो वाली यूज़ की है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम की प्लेट नहीं है तो आप स्टील का भी प्लेट यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस पर थोड़ा सा घी ज़्यादा लगाया है प्लेट पर। इसके ऊपर हम रखेंगे पिज्ज़ा डो और इसको स्प्रेड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वीडियो में जैसे दिखाया है वैसे आप स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें इसे, जैसे कि 1/2 सेंटीमीटर तक तो इसकी थिकनेस रखनी है। इसके बाद हम फोक की मदद से इसको थोड़े से होल्ड करेंगे ताकि ये फूले ना, और बाद में इसके ऊपर लगाएंगे हम पिज्ज़ा सॉस। और गार्लिक बटर हमने लगाया है ताकि ये और भी टेस्टी लगे। गार्लिक बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है, और थोड़ा सा ग्लॉसीनेस भी आता है। इसके बाद हमने यूज़ किया है मोज़रेला चीज़, फिर आप रेड बेल पेपर यूज़ कर सकते हैं, येलो बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम्स, आप जो चाहे जैसे चाहे आप आपका पिज्ज़ा डेकोरेट कर सकते हैं। आप जब सब्जियां लंबी काट रहे हैं तो लंबा ही काटे सभी सब्जियों को, या फिर आप स्क्वायर में काट रहे हैं तो सभी सब्जियां स्क्वायर में ही काट दीजिए। इसके बाद हमने इस पे ऑनियन डाला और थोड़े से पनीर के क्यूब्स डालकर इसको मोज़रेला चीज़
और हमने इस पे डाला है। इसके बाद हमने यहाँ पे जलापेनो यूज किया है और ब्लैक ऑलिव्स कट करके हमने इसके ऊपर डाले हैं। ब्लैक ऑलिव से ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आप इसे अपनी पसंद से डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे रखेंगे बेक करने के लिए। हमने प्री हीट करके रखा है पहले से ही बर्तन को। तो यहाँ पे हमने जो बर्तन लिया है, तो आप इसके लिए कोई भी एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई एल्यूमिनियम का बड़ा बर्तन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पिज्ज़ा 20 मिनट्स के लिए हमने रखा था और 20 मिनट्स के बाद हमने फिर 5 मिनट्स रख कर इसको निकाला है। तो ये बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बेक हुआ है हमारा। तो ये हमारा हो गया है पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ज़्यादा कुछ सामान की भी ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ जितना आप डाल सकते हैं, आपकी मन से आप डाल सकते हैं। इसमें आप सब्जियां कम और पनीर के क्यूब्स ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। प्लेट को हमने ज़्यादा घी लगाने के कारण ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है, एकदम आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। इस पर हमने थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल किए हैं। इसको हमने 4 टुकड़ों में काटा है। छोटा साइज का पिज्ज़ा होने के कारण हमने इसको 4 पार्ट में कट किया है। अगर आप बड़ा पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसको 6 में भी कर सकते हैं। तो यह हमारा पनीर टिक्का पिज़्ज़ा रेडी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप बच्चों को करके दे सकते हैं। गेहूं के आटे से पिज़्ज़ा बेस बनाया है। इसका टॉपिंग आप आपके हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसी ही हेल्दी और आसान सी रेसिपीज देखने के लिए स्मिताज किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।